हाँ जी, तो ये देखो पूरा नोटिफिकेशन। डॉक्टर बी आर अंबेडकर स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस सोसाइटी साहबजादा अजीत सिंह नगर मोहाली का ही। तो ये देखो तुसी, नॉन टीचिंग अते पैरामेडिकल स्टाफ दी असामियां भरने संबंधी नोटिस है। तो इन्हें आप पहले सीधा ही स्टाफ नर्स बारे गल कर लें। तो ये तुसी देखोगे इत्थे स्टाफ नर्स दियां 129 पोस्टां टोटल हैं। 29,200 इन्होंने बेसिक पे रखे है जी। तो स्टार्टिंग पंजाब से तुम्हें पता ही रूल है 3 साल प्रोबेशन पीरियड का, तो उन्हें तुम्हें 27,000 पेमेंट मिल जाया करेगी। तो पर उस तो बाद काफ़ी तुम्हें 45,000-50,000 के नेड़े पेमेंट मिलनी शुरू हो जाएगी 3 साल बाद। तो इस तो बाद तुम देखो जरनल दियाँ 50 पोस्टा हैं, 13 बंद दियाँ हाँ, तो 37 बंद दियाँ 13 फीमेल दियाँ सॉरी। एस सी मजहबी और बाल्मीकि देख लो भी 11+8+3 तुम देख लो। हूँ एस सी आर ओ दियाँ 11 हैं, एस सी मजहबी एंड बाल्मीकि एक्स सर्विसमैन दिया 4 हैं, एस सी रविदासिया दिया 2 हैं। इस तरह तुम देखोगे बी सी दिया 13 हैं, तो जनरल ई डबल्यू एस दिया 12 हैं। तो ये देख लो तुम जो भी इन्होंने दसाया पी डबल्यू डी परसनल विद डिसबिलिटी दिया भी 6 हैं। तो इन्होंने जो क्वालिफिकेशन मंगी है वो सीनियर सैकेंडरी मतलब 12th का मंगी मंगी है। इस दे नाल ही ताड़ी जी एन एम मंगी हुई है, जी एन एम या फिर कोई भी इन्होंने जी एन एम लिखा, पर बी एस सी और पोस्ट बेसिक वाले भी भर सकते हैं, पोस्ट बेसिक बी एस सी वाले। तो जो पंजाब नर्सिंग रजिस्ट्रेशन कौंसल नाल रजिस्ट्रेशन होना जरूरी है जी, ठीक है जी। इस तो बाद अगे आप गल कर लिए विनयकर की एज जो 18 तो 37 साल जरनल वास्ते, तो एस सी वास्ते 42, तो ओ बी सी वास्ते 40 साल वाला ओ बी सी वाला भर सकता है। विनयकर मैट्रिक पद्धर तक पंजाबी विषय पास होना चाहिए, पंजाबी 10वीं तक कीती होनी चाहिए जी। उस तो बाद जो सर्टिफिकेट राखवीं श्रेणी मतलब बी सी और एस सी वाला है उन्होंने सर्टिफिकेट नाल नत्थी होने चाहिए हैं। जे सर्टिफिकेट ना हो तो उन्होंने जनरल कैटेगरी मनिया जाएगा। राखवाकरण नीति राज्य सरकार की नीति अनुसार ही होगी। जेकर किसी बिनेकर की योग्यता जिस समय उसने अप्लाई किया उसकी असामीली शर्त पूरी नहीं करती तो उसको बिना किसी नोटिस तो रद्द कर दिया जाएगा। उस तो बाद देखी जाओ तुम केंद्र के 7वें पे कमीशन के हिसाब से पेमेंट मिलया करेगी। तो इन्हें मोहाली का वक्रा कैडर होगा। यह असामियों तो नियुक्त होने वाले कर्मचारियों की बदली केवल सोसायटी के अधिकार खेत्र में ही होगी। तो मोहाली के अंदर ही ढा पहला पोस्टिंग रहने के चांस ज्यादा हैं। यह असामियों मैरिट के आधार पर एक लिखती पेपर लिया जाएगा, तो उनके अनुसार ही मैरिट बना के सिलैक्शन की जाएगी। तो इस तो बाद देखते रहो, होर कोई ज़्यादा जरूरी नहीं है। तो बस यही ज़्यादातर इन्हें जो पॉइंट दस दते हैं। बाकी इस तो अलावा होर भी पोस्ट हैं, वह भी तुम अप्लाई करा सकते हो। कोई होर रेडियोग्राफर दी हो गई, तो इस तो अलावा देख लो तुम ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट दी हो गई। तो इन्हें जो उन्होंने ऑपरेशन थिएटर का डिप्लोमा वाला कोर्स मंगया होया है। इस तो बाद मीडिया मेकर 12+5 ईयर फोटोग्राफी का एक्सपीरियंस मंगया होया है। फिर इस तरह ही लैब टैक्नीशियन 21,700 पेमेंट तो इन्होंने रखे है। साइंस नाल प्लस टू मैडिकल नाल की हो, डिप्लोमा इन मैडिकल लैबोरेटरी वाला हो, ठीक है जी। तो इस तो अलावा तुम देखो कलर्क दियाँ पोस्टा भी है जो कि बैचलर वास्ते सीधा ही, जिंदे 120 घंटे का कोर्स कंप्यूटर का, और कोई भी बी ए बी कॉम बी एस सी वाला ही फिल कर सकता जी। तो कैशियर दियाँ है इन्हें च भी बैचलर वाला प्लस 120 घंटे का कोर्स मंगया हुआ है, ठीक है जी। तो इस तरह ये पोस्ट हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। बाकी जो भी जानकारी इन सिलेबस बारे आएगी वो भी तुम्हें मिल जाएगी। चैनल में फॉलो करके रखो। ये देखो लिखिया लिखती प्रीख्या राई मैरिट के आधार पर भरी जाएगी भर्ती। ओके जी।